बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नब्दो या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें आई थिंक ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगा आपके लिए। तो मैं वीडियो असल में इस वीडियो में क्या है कि एक ऐसा नया केमिकल मार्केट में आ गया है जो कि मुरझाए हुए सब्ज़ियों को ताज़ा बना देता है। ये जो मिलावट है ये मिलावट वाले चीज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि आई थिंक ये मार्केट में पहुंच चुकी है। ये एक ऐसी मतलब केमिकल है जो मुरझाए हुए पौधों को, मुरझाए हुए मतलब सब्ज़ियों को ताज़ा बना देता है। तो इस हिसाब से ये आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने हद तक ख़तरनाक है। और मैं वीडियो चलाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप खुद ही वीडियो देखें, ये एक मुरझाया हुआ सब्ज़ी है जो कि मिलाया एक केमिकल में, फिर इसको रख दिया। देखो अब ये फूल रहा है, मतलब ताज़ा हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह मतलब एक मुरझाया हुआ मुरझाई हुई सब्ज़ी थी, तो उसमें केमिकल में जब उसने उसको डुबाया फिर रखा तो चंद ही सेकंडों में वो ताज़ा मतलब एक सब्ज़ी बन गई। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है, तो इससे थोड़ा ख्याल करें। इस हिसाब से ये ख़तरनाक मतलब एक केमिकल है जो कि इंसान के पेट में जाएगा सब्ज़ियों के थ्रू, तो इस हिसाब से ये आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडीज़। सो ये एक मिलावट से भी ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल है, तो इससे थोड़ा बचें, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।